मंत्री टीएस सिंहदेव का एक ट्वीट सामने आया है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर के रूप में उन्होंने पेश किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि खुशी की बात है, कोरोना वैक्सीन शीघ्र ही भारत में उपलब्ध होगी। मैं खुद को इसके ट्रायल के लिए वॉलंटियर करना चाहूंगा। वैक्सीन को लेकर जनता में किसी भी शंका को दूर करने के लिए वॉलंटियर बनना चाहूंगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने ट्वीट में लिखी है। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में, किस तरह की तैयारियां इस वक्त छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे खबर नज़दीक आ रही है कि भारत को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है, उसको रखने, स्टोरेज और इन तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं संकेत कुछ टीएस सिंहदेव की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि केंद्र सरकार का एक तय प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसके अंतर्गत वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम पहले से तय है और उसमें राज्य सरकारों को अपनी भूमिका निभानी है, तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर स्टोरेज को ज्यादा महत्व दिया गया है और दूर दराज के इलाकों तक ये वैक्सीनेशन हो सके इसलिए जिला मुख्यालयों में स्टोरेज हो, इसकी व्यवस्था और तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी कड़ी में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है, क्योंकि लोगों को इस वैक्सीन को लेकर अभी भी डर बना हुआ है कि इसको लगाने के बाद क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए अपनी ओर से उन्होंने पहल की है और एक संदेश दिया है कि अगर कोरोना का वैक्सीन का ट्रायल होता है तो वो अपने आप को ये इस ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो इससे एक प्रदेश में मैसेज भी जाएगा क्योंकि लोग डरे हुए हैं और जब स्वास्थ्य मंत्री ये टीका लगाएंगे तो लोगों को ये भय नहीं रहेगा कि उनके स्वास्थ्य मंत्री ने टीका लगाया है तो उन्हें भी लगाना चाहिए। तो एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की और इस संबंध में एक ट्वीट उन्होंने किया है। बिल्कुल, पॉजिटिव संदेश इस तरह के बयान से और इस तरह के बिहेवियर से जाता है। टीएस सिंहदेव ने अब आगामी वक्त को देखते हुए ट्वीट किया है। उनका कहना है कि